This news is brought to you by Nimbus Academy for HES and IAS. New batch is starting from 10th of October. Online and offline batch available. बिलासपुर सदर थाना की पुलिस ने नौनी के पास एक हरियाणा नंबर गाड़ी से 180 ग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों को भी हिरासत में लिया है। ये तीनों युवक अंबाला के रहने वाले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी हेडक्वार्टर बिलासपुर राजकुमार ने बताया कि सदर थाना पुलिस को जानकारी मिली थी कि नौनी के पास एक हरियाणा नंबर की गाड़ी संदिग्ध हालत में खड़ी हुई है, जिसमें तीन युवक सवार हैं, जिस पर पुलिस ने मौके पर जाकर पूछताछ की और शक होने पर गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें 180 ग्राम चरस बरामद हुई है। यह युवक कुल्लू से अंबाला जा रहे थे। ये हमारे पुलिस स्टेशन में ही इसकी इन्फॉर्मेशन आई थी कि पटगल जो नौनी के नजदीक है, वहाँ पर एक हरियाणा नंबर की गाड़ी संदिग्ध खड़ी है और उसमें तीन व्यक्ति जो संदिग्ध हालत में बैठे हुए हैं, जिस पर जो ड्यूटी आईओ था SISO अपनी टीम के साथ वो मौका पर पहुंचा। उसने जब उनके नाम पते पूछे तो ये तीनों लोगों के नाम, एक का तरनजीत, दूसरे का राहुल और तीसरे का कुणाल सिंह मालूम हुआ, और तीनों जो है ये हरियाणा के थे। सब की बिना पर इनकी गाड़ी की जब सर्च ली गई तो 180 ग्राम चरस जो है इसमें से बरामद हुई है, और जब ये चरस बरामद हुई तो इस पर पुलिस थाना सदर में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इन तीनों लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आइंदा जो है वो इनको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है आगे जारी है। ये इन्होंने बताया कि ये कुल्लू से अपने वहाँ जा रहे थे, अंबाला के रहने वाले हैं, वहाँ जा रहे थे, घर जा रहे थे। ठीक है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।